हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे टॉप 5 अमेजिंग से हैक्स, या फिर आप उसको टिप्स एंड ट्रिक्स भी कह सकते हो, जिसकी मदद से आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। बट मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, अगर ये टॉप 5 ट्रिक्स के अंदर से आप अगर कोई भी ट्रिक्स को यूज़ करते हो किसी के ऊपर गलत चीज़ करने के लिए, तो इट्स टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेने वाला हूँ, और आप सभी लोगों को ये चीज़ मैं सिर्फ और सिर्फ एडुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोग आज के टाइम पे क्या करते हैं, लाइक फाइल मैनेजर के ऊपर या फिर गैलरी के ऊपर, आजकल ऐसे बहुत सारे प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन अवेलेबल है जिसकी हम मदद से हम जो है वो लॉक रखते हैं सारे ही एप्लीकेशन के ऊपर। और आप चाहते हो कि किसी के भी फाइल मैनेजर को लाइक एक्सेस करना जिसके अंदर गैलरी होती है, जिसके अंदर सारे जो है बेसिकली डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो आप उसको कर सकते हो। कैसे, चलिए मैं आपको बता दूँ किस तरीके से आप बिना किसी के लॉक को छेड़छाड़ किए हुए आप पूरी की पूरी फाइल मैनेजर को एक्सेस कर सकते हो। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम को जो है वो आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप कर देना है फाइल कॉलन 3 बार स्लैश SD कार्ड। जैसे आप ये लिख दोगे उसके बाद आपको एंटर करना है। देखिए, जैसे आपने एंटर किया उसके बाद यहाँ पर आप जो है वो सारी फाइल मैनेजर के जो अंदर फोल्डर्स है उसको आप जो है वो एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपको जो भी चीज़ देखनी है आप जो है वो इजीली देख सकते हो। अगर कैमरे की फ़ोटोज़ देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हो, अगर आपको स्क्रीनशॉट्स देखना है तो आप यहाँ से सारी चीज़ें जो है वो ईजिली देख सकते हो। तो देखा गाइस, किस तरीके से आप जो है वो किसी की भी पूरी फाइल मैनेजर को एक्सेस कर सकते हो, वहाँ से आप जिसकी फोटोज देखना चाहते हो, जो भी चीज़ देखना चाहते हो, सारी चीज़ आप देख सकते हो। ओके गाइस, अगर अगले ट्रिक की बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। बेसिकली वो एक पर्टिकुलर वेबसाइट है। अगर बहुत बार क्या होता है कि हमारा जो फ़ोन का नीचे का स्पीकर होता है वो पानी में गिर जाता है या फिर उसके अंदर पानी चले जाता है, तो वो काम करना बेसिकली बंद कर देता है। अगर हम कोई पर्टिकुलर वीडियो देखते हैं तो वो जो साउंड जो है वो क्लियर हमको नहीं आता है। तो यहाँ आपको जैसे अमेजिंग सी वेबसाइट बताता हूँ जिसकी मदद से जो है वो आप अपने स्पीकर को घर बैठे ठीक कर सकते हो विद फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आपको बताता हूँ किस तरीके से उस वेबसाइट को आपको यूज करना है। ओके, तो आपको क्या करना है, गूगल क्रोम के अंदर आना है और यहाँ पे आपको जो है वो टाइप कर देना है फिक्स माय स्पीकर करके। जैसे अभी टाइप करोगे जो आपको पहली वाली वेबसाइट दिख रही होगी उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे भी लिखा है इजेक्ट वाटर फ्रॉम योर फोन स्पीकर आफ्टर गेटिंग इट वेट। ठीक है, जो अभी साथ में बीप का साउंड दिख रहा है इसके ऊपर वो क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, साउंड को स्टार्ट कर देगा और यहाँ के नीचे के स्पीकर से आपके जितना भी अगर पानी होगा वो ऑटोमेटिकली इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ओके गाइस, तो देखा आपने किस तरीके से इस वेबसाइट की हेल्प से जो आप अपना पूरा जो पानी अगर स्पीकर के अंदर गया तो उसको इजीली आप जो है वो इजेक्ट कर सकते हो। हमारे अगले ट्रिक्स की अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप में से बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर है वो हैकिंग सीखना चाहते हो, हैकिंग के बारे में पढ़ना चाहते हो, तो ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए मैंने आज एक ऐसी अमेजिंग सी ट्रिक्स लेके आया जिसकी हेल्प से जो है वो आप किसी के भी साथ प्रैंक कर सकते हो कि लाइक जेन्युइनली मैं एक रियल हैकर हूँ और मैं रियल हैकिंग कर रहा हूँ। बट स्टिल वो एक रियल हैकिंग नहीं है, वो एक फेक हैकिंग है। बट स्टिल आप अगर किसी के साथ प्रैंक करना चाहते हो तो आप उसको ये चीज़ बता सकते हो। चलिए आपको बता दो उस वेबसाइट के बारे में। ओके, तो आपको क्या करना है, गूगल क्रोम को ओपन करना है। ओपन करके यहाँ पर आपको टाइप कर देना है गीक टाइपर। जैसे आप गीक टाइपर टाइप करोगे यहाँ पर जो आपको पहली वाली वेबसाइट देखने के लिए मिलेगी उसको जो है आपको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको वार्निंग में दिखा देगा, दिस इज़ नॉवेल्टी पेज डिजाइन टू पैरोडी सिली हैकिंग डन इन टीवी शो एंड मूवीज। जो मूवीज़ है टीवी शो में बताता है लाइक जैसे हैकिंग करते हैं वो सारे ऐसे यहाँ से जो है वो फेक हैकिंग करते हैं, और बहुत सारे जो स्कैमर्स होते हैं वो इसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा गलत यूज़ करते हैं। तो ठीक है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए कैसा आपको जो है वो हैकिंग का पूरा विंडो दिख रहा है। अगर हम ऑटो पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है। अगर यहाँ से मैं आपसे बात करूँ डिक्रिप्टिंग की तो यहाँ पर देखो पासवर्ड डिक्रिप्ट हो रहा है, लाइक देखने में इतना ज़्यादा रियल लगता है ये ताकि किसी को भी कोई यहाँ पर शक नहीं होने वाला है। देखा गया किस तरीके से आप जो है वो एक फेक हैकिंग को अपना जो है वो एक रियल हैकिंग बता सकते हो, वो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा रियल लगता है। तो अगले ट्रिक की अगर मैं आपसे बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। बेसिकली वो हमारी कुछ चीज़ों को जो है वो प्राइवेसी रखती है। कैसे, QR कोड। बेसिकली आज के टाइम पे आप सभी लोगों को पता होगा QR कोड क्या होता है और किस काम के लिए यूज़ होता है। बट मैं आज आपको एक ऐसी अमेजिंग सी ट्रिक्स बताता हूँ उसके अंदर आप कोई भी पर्टिकुलर अगर समझो वेबसाइट है और आप उस वेबसाइट को अपने दोस्त को भेजना चाहते हो, बट स्टिल अपने दोस्त को ये ना पता चल पाए कि कौन सी वेबसाइट भेजे, तो हम उसको जो है वो QR कोड के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम जो उस पर्टिकुलर बंदे को भेज सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप अगर कोई भी समझो एक ये YouTube का पेज है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। जैसे ही राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो क्रिएट QR कोड फॉर दिस पेज, ये पेज का जो है वो एक QR कोड जनरेट कर देगा। और जैसे ही अगर हम ये पेज किसी को भी भेजेंगे तो उसके पास भी सेम टू सेम एज इट इज़ ये सारी चीज़ें शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो एक QR कोड यहाँ पर जनरेट हो गया। इसको यहाँ से हम जो है वो
डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया। अब आप अगर जिसको भी भेजना चाहते हो तो आप वो है वो इसको भेज सकते हो। ऐसे हम जो है वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जो भी चीज़ अगर आप टाइप करते हो, टाइप करने के बाद लाइक समझो अगर ये कोई एक वेबसाइट है, ठीक है, वो तो हो गया एक यूट्यूब वीडियोज़ की। अगर आप कोई वेबसाइट के ऊपर भी भेजना चाहते हो तो भी आप उसको ईजिली भेज सकते हो। यहाँ पर राइट क्लिक करना है, क्रिएट QR कोड करना है और यहाँ से आप जो उसको भेज सकते हो। ठीक है, तो देखा आपने किस तरीके से हम जो है वो किसी भी वेबसाइट को QR कोड के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम जो है वो अपने किसी भी दोस्त को भेज सकते हैं। तो लास्ट ट्रिक क्या, अगर आपसे बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कहा था कि काले लेंस को हम किस तरीके से एंड्रॉयड में यूज़ कर सकते हैं, बट स्टिल बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम फेस होती है। जैसे कि अगर हम काले लेंस को एंड्रॉयड के अंदर यूज़ करते हैं तो हम लोग को जो है अपने फ़ोन को रूट करना पड़ता है, और रूट के कुछ बेनिफिट भी है और कुछ जो है वो नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर हम नया फ़ोन परचेज करते हैं और अगर हम अपने फ़ोन को रूट कर दें तो आपकी वारंटी जो है वहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो अब एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसकी मदद से जो आप अपने फ़ोन को बिना रूट के जो है वो काले लेंस को यूज़ कर सकते हैं। चलिए आपको मैं बताता हूँ उस एप्लीकेशन के बारे में। तो डेबियन नो रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए हमको सिंपली प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। जैसे प्ले स्टोर को हम ओपन करेंगे यहाँ पर हमको जो है वो डेबियन नो रूट करके लिख देना है। जैसे ही लिखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा, सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप उसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है और ये कुछ टाइम तक जो है वो थोड़ा बहुत अपडेटिंग मांगते रहता है। उसके बाद सिंपली आपको जो है वो विंडोज़ ओपन करके दिखा देगा, ठीक है। अब ये तो मेरा एक्चुअली ऑलरेडी हो चुका है पहले, तो ये डायरेक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है। आपके टाइम में केस में थोड़ा बहुत लाइक बेसिकली टाइम ले सकते हैं, तो आपको थोड़ा वेट करना है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर टर्मिनल पे ओपन करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर टर्मिनल पे क्लिक किया तो सेम टू सेम एज अ विंडो यहाँ पर मेरे को शो होने लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर से अगर मैं चाहता हूँ कुछ कीबोर्ड से लिखना तो यहाँ से मैं इसको जो है वो लिख भी सकता हूँ, ठीक है। तो आप जो है वो इससे काफ़ी सारी जो चीज़ें कर सकते हैं जो काले लेंस के हम जो है वो अपने लैपटॉप के अंदर करते हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें से कर सकते हो। ताकि आप जो है वो काले लेंस के सारे काम जो है वो अपने फ़ोन के अंदर कर सकते हो और अपने फ़ोन को आपको जो है वो रूट करने की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये पाँचों ट्रिक्स एंड टिप्स काफ़ी अमेजिंग लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा इस वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलता हूं फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।